बिना बीज लिए लौटे किसान, बीज लेने में किसानों को 500 रुपए का चुकाना पड़ता है अर्थदंड। भागलपुर, भारत सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने में प्रयासरत है, जिसके लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला के किसानों को लाभ देना चाह रही है। लेकिन सरकार के अधिकारी और डीलर के द्वारा किसान की आय बढ़ाने के बजाय घटाने में लगी हुई है। भागलपुर जिला के नवगछिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर प्रखंड में सरकार के द्वारा किसान के लिए अनुदानित बीज वितरण करने का आदेश आया है, जो गोपालपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में वितरण होना है, जहां किसान आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर घंटों ओटीपी के लिए इंतजार करना पड़ता है। यहां तक कि ओटीपी भी नहीं आती है, जिससे किसान निराश होकर के अपना घर लौट जाते हैं। और ओटीपी आने का इंतजार जब खत्म होता है तो किसान के व्हाट्सएप ग्रुप में किसान को दूसरे दिन बीज वितरण करने का आश्वासन मिलता है। किसान जब दूसरे 15 किलोमीटर दूर से अपना 200 रुपए आने जाने का भाड़ा लगाकर लगभग 500 रुपए खर्च करके बीज लेने को कार्यालय आते हैं, लेकिन कार्यालय के बंद रहने के कारण लोग परेशान दिखे और सरकार को कोसते हुए कहने लगे कि किसान का आय दोगुना क्या होगा, लाभ से तो ज्यादा हानि ही नजर आ रही है, जाने आने में ही खर्च हो जाता है, इसे तो बढ़िया दुकान में ही बीज खरीद लेंगे। सरकारी में तो जबरदस्ती बीज के साथ उर्वरक भी जबरदस्ती दे दिया जाता है, जो किसान नहीं लेना चाहता है। रविवार को बीज वितरण की जानकारी किसान सलाहकार व्हाट्सएप ग्रुप में 12 बजे से वितरण का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन जब इनके विषय में जानकारी लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी को लगाया गया तो उसके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। वहीं जब कृषि कोऑर्डिनेटर सुबोध पंडित को लगाया तो उनके द्वारा बताया गया कि डीलर भागलपुर अपने कार्य से चला गया है, आज बीज वितरण नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसान का इसी तरह से आय दोगुना होगा, जब किसान बार बार प्रखंड कार्यालय से घूमने जाएंगे। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज कल बोला कि कल 12 बजे आइए, आज रविवार है, आज का नाम बोला 12 बजे आइए, हम पूछबो किए, आज संडे है, मतलब संडे को आप बांटिएगा। बोला कि हाँ 12 बजे आइए, 12 बजे से बांटना चालू करेंगे। हम आए आज लगभग 12:30 हो रहा है, लेकिन अभी तक देखते हैं ताला बंद है। डेली डेली मकनपुर से आना जाना, ये भाड़ा मतलब इतना में तब क्या, उसे अच्छा तो दुकान में ले लेता, क्या जरूरी है सरकार से अनुदान लेने का। फायदा बुझा रहा है आपको? फायदा क्या, मतलब डेली डेली आएंगे जाएंगे तो उसमें क्या फायदा मिलेगा, तब इससे अच्छा तो दुकान से ले लेंगे। सरकार से हम क्या तब करेंगे। तब कितना खर्च आप लोग को लगता होगा आने जाने में, कितना किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 14-15 किलोमीटर है। कितने दिन से आ रहे हैं? आज तीसरा दिन है। तो कितना खर्चा लगता है पर डे? लगभग पर डे 100 रुपया का पर डे हो गया, समझ लीजिए। तो बीज क्या मिला आज? नहीं मिलेगा, मिला ही नहीं है, ताला बंद है तो कौन देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम कुमार है। कौन से पंचायत के? हम मकनपुर पंचायत से। और कौन आपको बताया था कि आपको मिलेगा? मेरे गांव का ही एक आदमी था, वो लेके गया, वो बोला कि जाओ वहाँ मिल रहा है, मतलब संडे को मिलेगा। ऑफिशियल आप ऑफिस में? यहाँ ऑफिशियल के लिए तो वो जो डीलर बांटता है ना, वो क्या नाम उसका, पांडे जी, वो बोला कि कल रविवार को भी आइए, 12 बजे से बांटेंगे। भला हो रहा है किसान का? भला कहाँ हो रहा है, यहाँ तो बुरा ही हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम कुमार है। कहाँ से लो जो? मकनपुर। कथी ली कहाँ लो छो? आज एतवार छे। बीज ले ले। कहाँ मतलब कहीं? कितना दिन आए थे, के बुलाया था? डीलर। डीलर तो क्या डीलर है यहाँ पे? कल बोले कहे थे। आज है, आपको बुलाया था तो है। तो आप कहाँ फिर जाइएगा? कितना दिन से आ रहे हैं? दूध नहीं लिए, 3 बजे। 2 दिन 3 दिन आए। कितना खर्चा आप लोग को लगता है आने जाने में? 40 टका लगे आए जाओ। तो 120-200 रुपया लगभग खर्चा कर चुके। बीज मिला आपको? नहीं। क्या देख रहे हैं अभी कार्यालय? ताला बंद है। क्या नाम हुआ आपका? रंजू देवी।